दोस्तों नमस्कार। आज हम जानेंगे इलेक्ट्रिक कन्वेंशनल लोकोमोटिव में VCD विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस में किस प्रकार से रिसेट किया जाता है, एक्नॉलेज कैसे किया जाता है, खराबी आ जाती है तो परमानेंट आइसोलेट कैसे किया जाता है। VCD लोको पायलट द्वारा किए जा रहे कार्य पे निर्भर रहती है। यदि लोको पायलट 60 सेकेंड के अंदर VCD को एक्नॉलेज नहीं करता है तो पहली चेतावनी के रूप में ये चेतावनी लैंप को फ्लैश करके और लोको पायलट को संकेत देता है 60 सेकंड का समय ओवर हो चुका है। यदि 8 सेकंड तक ये वार्निंग लैंप को फ्लैश करता है, 68 सेकंड, 60 प्लस 8 68 सेकंड में यदि लोको पायलट VCD को एक्नोलेज नहीं करता है तो और 8 सेकंड वार्निंग लैंप को फ्लैश करेगा साथ में बजर बजा के और संकेत देता है। यदि 76 सेकंड के अंदर भी लोको पायलट कोई रेस्पॉन्स नहीं देता है तो ये इमरजेंसी ब्रेक लगा के और गाड़ी को खड़ा कर देता है। तो यह है VCD का महत्वपूर्ण कार्य। आगे देखते हैं पूरा विवरण। इलेक्ट्रिक कन्वेंशनल लोकोमोटिव में VCD से संबंधित लगे हुए महत्वपूर्ण उपकरणों का विवरण। नंबर 1 पे है डिस्प्ले यूनिट। यह यूनिट दोनों ही कैबों में सहायक लोको पायलट की तरफ लगा हुआ है। इसमें आपको मेधा का ओल्ड वर्जन, मेधा का न्यू वर्जन, स्टेसलेट और सेट्रॉनिक टाइप के डिस्प्ले देखने को मिल सकते हैं इलेक्ट्रिक कन्वेंशनल लोकोमोटिव में। दूसरा है मेन कंट्रोल यूनिट या कंट्रोल यूनिट। यह यूनिट सामान्यतः कैब नंबर 1 सेंट्रल लॉकर में या कैब नंबर 1 सहायक लोको पायलट की तरफ साइड लॉकर में लगा हुआ मिलेगा। इस यूनिट पे VCD को आइसोलेट करने के लिए एक ग्लास विंडो, उसके अंदर स्विच लगा मिलेगा, उससे VCD को आप परमानेंटली आइसोलेट कर सकते हैं यदि कोई प्रॉब्लम है। अगला है एक्नोलेज पुश बटन। यह है VCD के डिस्प्ले यूनिट पे लगा हुआ रहता है, सफेद कलर का जो आप देख रहे हैं, परंतु आजकल इसको आइसोलेट कर दिया गया है एज पर ऑर्डर रेलवे बोर्ड के आदेश के अनुसार। और किसी किसी लोको में एक्नोलेज पुश बटन को लोको पायलट डेस्क पे लगा दिया गया है। अगला है QVCD। यह कैब नंबर 1 के पीछे या कैब नंबर 1 सेंटर लॉकर में लगी है। यह रिले VCD ऑपरेट होने पर एनर्जाइज होता है और IP वाल्व के थ्रू BP को ड्रॉप करा देती है, साथ ही साथ GR को 0 पे ले आती है। BP प्रेशर गिरने से गाड़ी भी खड़ी हो जाती है। ये विभिन्न प्रकार की डिस्प्ले आपको मिलती हैं, जैसे मेधा का ओल्ड वर्जन, मेधा का न्यू वर्जन, स्टेसलेट और सेट्रानक। मेधा का ओल्ड वर्जन, न्यू वर्जन, स्टेसलेट में आपको चार चार लैंप मिलेंगे, लेकिन सेट्रॉनिक जो डिस्प्ले है उसमें आपको 6 लैंप मिलते हैं। और लैंपों का काम एक समान से होता है, जैसे वर्किंग लैंप VCD वर्किंग में होने पे जलता है, फॉल्टी लैंप VCD में फॉल्ट होने पे जलता है, वार्निंग लैंप 60 सेकंड तक लोको पायलट यदि एक्नोलेज नहीं करता है VCD को तो ये वार्निंग लैंप जलने लगता है। VCD बाईपास लैंप, जब VCD को बाईपास कर दिया जाता है तो ये लैंप जलने लगता है। इसी प्रकार हेल्थी लैंप है, जब VCD हेल्थी रहता है, फॉल्टी लैंप जब VCD में कोई फॉल्ट होता है, वार्निंग लैंप जब 60 सेकंड तक एक्नोलेज नहीं करते हैं तो वार्निंग लैंप जलने लगता है। ये इस VCD के अलग अलग कंपनी के कंट्रोल यूनिट है। यहां से VCD को फुली कंट्रोल किया जाता है। इसमें एक स्विच लगा दिया जाता है जिससे VCD को फॉल्ट होने पर आइसोलेट कर सकते हैं। VCD का एक्नोलेज लोको पायलट के कार्य पर निर्धारित होता है। लोको पायलट SA9 या A9 से ब्रेक अप्लाई करता है तो VCD एक्नोलेज हो जाता है। MP की पोजीशन बदलने से भी VCD एक्नोलेज हो जाता है। नॉच को कम ज्यादा करें, डायनेमिक मोड में है तो डायनेमिक को कम ज्यादा करेंगे। PSA को दबाने से भी VCD एक्नोलेज हो जाएगा। PVCD को जैसे ही प्रेस करेंगे VCD अगले 60 सेकंड के लिए एक्नोलेज हो जाएगा। PVCD को 5 से 10 सेकंड के अंतराल पर नहीं दबाना चाहिए। एक्नोलेज पुश बटन को जैसे ही प्रेस करेंगे VCD एक्नोलेज हो जाएगा। VCD का ऑपरेट होने पर क्या क्या संकेत मिलते हैं यदि VCD ऑपरेट हो गया है? BP प्रेशर गिरकर इमरजेंसी ब्रेकिंग हो जाती है और ट्रेन खड़ी हो जाती है। एक एक BP प्रेशर ड्रॉप कर जाएगा, GR 0 पे आ जाता है। और यदि दोबारा नॉच लेने की कोशिश की जाती है, VCD ऑपरेट हो गया है तो ऑटो रिग्रेशन का संकेत मिलेगा और नॉच प्रोग्रेशन में नहीं होगी।
आईपी वाल्व के एग्जॉस्ट पोर्ट से बीपी प्रेशर तेजी से निकलेगा। एकाएक जैसे ही वीसीडी ऑपरेट होगा तो आईपी वाल्व के एग्जॉस्ट पोर्ट से बीपी प्रेशर तेजी से गिरेगा। रिले क्यू वीसीडी सामान्यतः डीएनर्जाइज रहती है, लेकिन जैसे ही वीसीडी ऑपरेट होगा रिले क्यू वीसीडी एनर्जाइज हो जाता है। वीसीडी रिसेट करने का तरीका, वीसीडी को रिसेट कैसे करते हैं? यदि ऑपरेट हो गया तो रिसेट कैसे करेंगे? एमपी एवं एमपीजे को शून्य पे कर देंगे। सबसे पहले यदि लोको पायलट ने अपना कार्य नहीं दर्शाता है तो SN9 से लोको ब्रेक लगाएंगे। एमपी और एमपीजे को जीरो पर करके गाड़ी खड़ी होगी, SN9 से लोको ब्रेक लगाएंगे, 32 सेकंड का इंतजार करेंगे, 32 सेकंड तक कुछ नहीं करेंगे, उसके बाद में 32 सेकंड बाद में रीसेट पुश बटन को दबाएंगे और इससे बीसीडी रीसेट हो जाएगा। प्रेशर पुनः क्रिएट होने लगेगा, पूरा होने पे गाड़ी चला सकते हैं। बीसीडी को में कोई कमी आ गई है, फॉल्ट आ गया है, बीसीडी में रिसेट नहीं हो रहा है, तो आइसोलेट कैसे करेंगे? गाड़ी खड़ी हो जाने पर लोको ब्रेक लगाएं सबसे पहले। यदि बीसीडी को आइसोलेट करना पड़ता है तो सबसे पहले गाड़ी को खड़ी करके और लोको ब्रेक लगा दें। एमपी और एमपीजे दोनों को शून्य पे लिया है। एमपी और एमपीजे जिस भी पोजीशन पे हैं वहां से आप दोनों को शून्य पे कर दें, जीरो पे ले लें एमपी और एमपीजे को। वीसीडी को आइसोलेट करने के लिए यदि कोई वीसीडी में फॉल्ट आ गया है, माल फंक्शनिंग कर रहा है, तो वीसीडी को परमानेंटली आइसोलेट करना पड़ता है। मेधा के ओल्ड वर्जन में यहाँ पे एक आपको विंडो ग्लास मिलता है, इस ग्लास को हटाइए और ग्लास के अंदर टॉगल स्विच मिलता है, वहां से आप वीसीडी को आइसोलेट कर सकते हैं। ये अलग अलग मेधा का न्यू वर्जन आ गया है। स्टेस लिस्ट में आपको HBCD मिलती है, HBCD से भी आप VCD को परमानेंटली आइसोलेट कर सकते हैं यदि आवश्यकता पड़ती है तो। सेट्रॉनिक में अपनी अलग व्यवस्था है, यहाँ पे एक स्विच दिया हुआ है, जैसे आप देखते हो घर में सामान्यतः स्विच लगा रहता है, इस प्रकार का एक ब्लैक स्विच दिया हुआ है। इसकी जैसे ही पोजीशन बदलेंगे वीसीडी परमानेंटली आइसोलेट हो जाएगा। यदि आपने वीसीडी को परमानेंटली आइसोलेट कर दिया है तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें, लॉग बुक में अवश्य नोट करें और कंट्रोल को अवश्य नोट करें।